मुझे भी टेंशन हो रही है सर, पर मैंने सोचा इस समय का इस्तेमाल करके इस कुर्सी को थोड़ा बदला जाए। मैंने इसमें सीक्रेट बटन लगाया है, इससे ये कुर्सी अपने आप डूफेंशमर्ट्ज़ के घर पहुंच जाएगी और खुद वापस आ जाएगी। सब कुछ एजेंट पी के साइज का है, बहुत क्यूट है, प्ले स्कूल की तरह। यहाँ साइन कीजिए प्लीज। आप लोग जू में डिलीवरी देकर आए हो? आपने सही पहचाना, लेकिन तभी सामान में से गोरिल्ला की स्मेल आ रही है। नहीं नहीं, वो बदबू मुझसे आ रही है। माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। यीश, मुझे भी तुम्हारी तरह कम बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब देखते हैं, इसमें जो मिरर्स वाला हॉल है वो तो हॉल में ही होगा, पर लिक्विड नाइट्रोजन रूम कहाँ बनाएंगे? एजेंट पी इतनी देर क्यों लगा रहा है? अब कॉल, उस सैंडविच में क्या है? चीज, अनियन और कैबेज। तभी उसकी खुशबू यहाँ से दिखाई दे रही है। उसे नीचे रखो और अंदर आने के सब तरीकों को चेक करो, हो सकता है कोई दरवाजा जाम हो गया। ठीक है सर। सारे रास्ते तो बिल्कुल ठीक। ओ, तुम आ गए एजेंट पी। शुक्र है तुम बीच में खड़े हो कार। माफ करना सर। एजेंट पी, हम बहुत, एक मिनट, आज तुम वर्दी में नहीं हो। एजेंट, तुम्हारा हैट कहाँ है? ऑटो हैट एक्टिवेटेड। अब ठीक है, ये हैट जरूरी है एजेंट पी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। आज तुम्हारा डॉक्टर डूफेंशमर्ट से 100वां मुकाबला है। हमने पूरे ईविल इनकॉर्पोरेटेड में कई कैमरास छुपा रखे हैं, ताकि हम यहाँ हेडक्वार्टर में इस ऐतिहासिक घटना को देख सके और बीच बीच में हंस सके। गोरा हो जाऊंगा, आज नहाकर मैं गोरा हो जाऊंगा। हमारे पास ऐसी बहुत सारी फुटेज है, बहुत। हमारी इज्जत तुम्हारे पंजों में है एजेंट भाई। वाह, यहाँ कितने सारे पेट लवर्स हैं। बिल्कुल मेरे जैसे। तुम नहाने के लिए तैयार हो ना? कैंडिस का दोस्त कौन है? कैंडिस को कौन चाहता है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे, बताओ बताओ। क्या चाहिए मुझे? तुम्हें नहाना है ना? क्या? ओह राइट राइट, पेरी। ये क्या कर रहे हो पेरी? साफ नहीं होना चाहते हो क्या? गंदे करके, ओप्स। कहाँ गया वो? मेरे ख्याल से वो उस पेड़ के पीछे है। देखा कितना खुश हो रहा है। हाँ, मैं भी खुश हूँ। पता चला है कि जू का न्यू बीओ जग भाग गया है। हाँ, बेकार की खबरें। इतने दिन पहले अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी मिस्टर पेरी आज कुछ आता। जल्दी करो कॉल, लड़ाई शुरू होने वाली है। बहुत एहसान किया तुमने यहाँ आकर मेरी दीवार गिराकर। पकड़ लिया। पेश है लीस्ट लाइकली नेटर। इसकी किरणें जिस पर भी पड़ेंगी वो काम करने लगेगा जो काम वो कभी नहीं करता है। इमोशनल प्रोजेक्ट है। हे अरविंद, तुमने सुना फिनेस और फर्ब एक फन हाउस बना रहे हैं? सच में? तो क्या करूं, फालतू काम करते रहते हैं। हे, तुम बहुत प्यारी हो। यहाँ पर एक खंबा हुआ करता था। तो तुमने ये पूछा कि मैं लीस्ट लाइकली इनेटर से क्या करूँगा? अपनी बेटी से बात मनवाऊंगा? अपने डैडी का प्यार पाऊंगा? नहीं, दो बार नहीं, शायद बाद में, पर पहले मैं इसे निशाना लगाऊंगा सिटी हॉल पर, जहाँ पर मेरा भाई है यहाँ का मेयर। वो सब ऑफिसर्स के सामने उल्लू बनेगा, जो वो वैसे कभी नहीं बन सकता है। उसके बाद शहर के लोग ट्राई स्टेट एरिया को मुझे उसके भाई को सौंपने में मजबूर हो जाएंगे। अब ये मत कहना पेरी द प्लैटिपस की डेमोक्रेसी में इस तरह का काम नहीं होता है। मुझे ये नहीं सुनना। पेरी द प्लैटिपस, तुम छूट भी चुके हो। ओह, वो मत पियो, मैंने यहाँ कई महीनों से झाड़ू में ही लगाया है। वॉल स्लाइड काम कर रही है। हे, जल्दी बताओ इसे कहाँ रखूं? जोकर के कमरे में। हे इसबेला, वो कुकीज कैसी बन रही है? बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी। अच्छा, चारों पंजों पर। मुझे ये फाइटिंग टेक्निक आती है, मार्शल आर्ट। मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग ली है सिंगापुर क्रैब। मैं समझ रहा हूँ तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तारों को उल्टा सीधा जोड़ रहे हो, मेरे दिमाग को शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोट्स ले लो कॉल, तुम एक मास्टर एजेंट को